दिल्ली में अखिलेश यादव और मायावती की लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक। सूत्रों के मुताबिक 37-37 सीटों पर बात बनी, 6 सीट सहयोगियों को मिलेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर खतरे के बादल। शिवसेना ने लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे की शर्त रखी। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए शिवसेना ने बीजेपी के सामने रखी कड़ी शर्तें। अमित शाह ने कहा, सिर्फ गठबंधन की वजह से नहीं करेंगे कोई भी समझौता। महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीटों में से एनसीपी और कांग्रेस के बीच 20-20 सीटों पर सहमति, 8 पर बात अटकी। 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली जीत का आभार जताने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर में किसान रैली करेंगे। हरियाणा के रोहतक में अरविंद केजरीवाल ने शहीद रविंद्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। आज झारखंड का दौरा करेंगे पीएम मोदी, पलामू में मंडल बांध समेत कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। आज ओडिशा का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी, 4500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आज त्रिपुरा जाएंगे बीजेपी प्रमुख अमित शाह, पृष्ठ प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के समर्थकों और सीपीआईएम कांग्रेस ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। आप ने अभिनेता प्रकाश राज को दिया समर्थन, 2019 लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं प्रकाश राज। कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार और उनकी मां से इनकम टैक्स चोरी के केस में लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ, 6 घंटे तक चला पूछताछ का सिलसिला। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के काफिले को रोका। कर्नाटक सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई कर की दर, बावजूद इसके बाकी राज्यों से कम कीमत पर ही मिलेगा पेट्रोल और डीजल। राजस्थान के जोधपुर में महिला विधायक दिव्या मदेरणा ने पुलिस अधिकारियों को धमकाया, सख्ती से काम करने का दिया निर्देश। बाला साहब ठाकरे पर बनी फिल्म पर आदित्य ठाकरे का बयान, मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक लाभ के लिए फिल्म बनाई गई है। गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह की प्रदूषण रोकने की नई पहल, सप्ताह में एक बार साइकिल चलाकर सचिवालय जाएंगे। एमपी के सागर में सीएम के करीबी जीवन पटेल पर महिला कार्यकर्ता ने गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया। बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव की दावेदारी पर बोले तेजस्वी यादव, फैसला आरजेडी का संसदीय बोर्ड करेगा, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार। एमनेस्टी इंडिया के प्रोग्राम में देश के हालात पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने जताई चिंता, कहा धर्म के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है। इससे पहले अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या एक गाय की मौत एक पुलिस अधिकारी की मौत से ज्यादा अहम है। राफेल पर संसद में जारी है घमासान, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए राहुल के आरोपों के जवाब, कांग्रेस बोली जेपीसी जांच से कम कुछ मंजूर नहीं। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा, कॉन्ट्रैक्ट एचएएल की जगह अनिल अंबानी को क्यों दिया गया और राफेल की संख्या 126 की जगह 36 क्यों की गई? राफेल पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पूछा, क्या कमीशन नहीं मिला इसलिए नहीं की थी यूपी ने डील? संसद में निर्मला सीतारमण और राहुल गांधी की बहस खत्म हुई तो लाल कृष्ण आडवाणी ने बोलने की इच्छा जताई, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उद्धव ठाकरे कर सकते हैं मंदिर आंदोलन का ऐलान, अगले महीने है उद्धव का यूपी दौरा। प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में जा सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने आज प्रयागराज पहुंचेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, करीब 7 घंटे तक मेला परिसर में ही रुकेंगे योगी।
योगी आज प्रयागराज में संतों से मुलाकात के साथ सार्वजनिक आवास का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं शाम 5 बजे क्रूज से किला घाट और नैनी ब्रिज की जांच भी करेंगे। एबीपी न्यूज से जगविंदर पटियाल, प्रतिमा मिश्रा, ब्रजेश राजपूत को रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवार्ड में एबीपी न्यूज की धूम, 4 पत्रकारों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। पिछले 5 सालों में 27 डिफॉल्टर कर्ज लेकर विदेश भागे, वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने दी लोकसभा में जानकारी, 8 के खिलाफ नोटिस जारी। शराब कारोबारी विजय माल्या पर आज आ सकता है भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का फैसला, माल्या के खिलाफ ईडी ने दायर की है याचिका। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को राहत की उम्मीद, 31 दिसंबर को जारी सीबीडीटी के सर्कुलर में कहा गया है कि अगर फ्रेश शेयर इश्यू होते तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जोधपुर में रखेंगे राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला। एनजीटी ने मेघालय पर लगाया 100 करोड़ रुपए का जुर्माना, गैर कानूनी रूप से चल रही खदानों के आरोप में लगाया जुर्माना। सीबीआई के काम करने के तरीके पर फिर उठे सवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर वी मुरुख सेन को राकेश अस्थाना केस की जांच से हटाकर कुछ ही देर में फिर से सौंपी गई जांच। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पार्किंग में बैठे युवक की कार सवारों ने की हत्या। दिल्ली के पहाड़गंज में चोरी के आरोप में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या। दिल्ली में चोरी के शक में हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मोतीनगर में हादसे के शिकार बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन खत्म, पूरी बिल्डिंग गिराई गई, हादसे में बच्चे समेत 7 की मौत हुई। मोतीनगर में हादसे के शिकार बिल्डिंग का मालिक भी घायल हुआ, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के फतेहपुर बेरी फार्म हाउस में नए साल पर महिला की मौत केस में जेडीयू विधायक की पत्नी और करीबी रामेंद्र सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के बिंदापुर में 1 जनवरी को सुमित नाम के शख्स की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर के सियाना रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की कार से टक्कर में 3 लोगों की मौत। यूपी के देवरिया में जेल में बंद बदमाश विकास कुमार के फेसबुक अकाउंट से जेल की अंदर का फोटो वायरल होने से हड़कंप। इनामी बदमाश विकास यादव ने जेल के अंदर से ही अपना फोटो अपलोड करने के साथ लिखा है कि जेल में बस कुछ दिन और। देवरिया जेल के अंदर से फोटो अपलोड होने के मामले के बाद से जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी के बदायूं में दरगाह में जंजीरों से बांध कर रखे गए मानसिक रोगियों को पुलिस ने मुक्त कराया। यूपी के शाहजहांपुर में राजकीय कॉलेज की छात्राओं ने टीचरों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया, मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए। यूपी के गाजीपुर में पीएम की रैली के बाद हिंसा में सिपाही की हत्या के आरोपी अर्जुन कश्यप पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी फार्म हाउस में नए साल पर महिला की मौत केस में जेडीयू विधायक की पत्नी और करीबी रामेंद्र सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लखनऊ के जानकीपुरम में चाउमीन खरीदने आए युवक पर बदमाशों ने बम से हमला किया। लखनऊ में युवक के ऊपर हुए बम से हमले के पीछे हिस्ट्री शीटर बच्चू यादव का हाथ बताया जा रहा है। पटना के बाईपास में नाले में गिरा 5 साल का बच्चा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर। अभिनेता दिलीप कुमार और सायरा बानू ने बिल्डर समीर भोजवानी को भेजा 200 करोड़ के मुआवजे का नोटिस। समीर भोजवानी को एक नेशनल अखबार में गलत खबर छपने के कारण मुआवजे और माफी मांगने का नोटिस भेजा गया है। पुणे में दिखी एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे के फेसबुक पेज पर कमेंट लिखने वाले युवक की सरेआम पिटाई की।
महाराष्ट्र में लोन डिफॉल्ट केस में लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी को सेबी का नोटिस। कंपनी में निदेशक है मंत्री सुभाष देशमुख की पत्नी। मुंबई की अंधेरी में एक बिल्डिंग में लगी आग, कोई घायल नहीं। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा हुआ। कार और ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौके पर मौत। हादसे के बाद हाईवे पर लग गया था 5 किलोमीटर लंबा जाम। कोलकाता के मुकुंदपुरा में पिता की दूसरी शादी से नाराज बेटे ने की पिता की हत्या। ओडिशा के मयूरभंज के करंजिया जंगल से मिला 10 साल के हाथी का शव। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से शुरू होगा 27वां पुस्तक मेला। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे उद्घाटन। इस साल दिल्ली के पुस्तक मेले में संयुक्त अरब अमीरात का सदस्य शारजा भी हिस्सा ले रहा है। मुंबई में अभिनेता आमिर खान और राज्य मंत्री गिरीश महान ने चाइल्ड ओबेसिटी के प्रति जागरूक करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की। पुणे के एक रेस्टोरेंट में दीपिका पादुकोण, रेखा, सनी लियोनी और युवराज सिंह के नाम पर रखे गए थालियों के नाम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को राहत देते हुए शर्त के साथ 6 जनवरी को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी। पश्चिम रेलवे ने मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली शताब्दी ट्रेन में यात्रियों को दी लाइब्रेरी की सुविधा। कुंभ के लिए एयर इंडिया दिल्ली से प्रयागराज तक 13 जनवरी से शुरू करेगा अतिरिक्त हवाई सेवा। यूपी के संभल में शेरपुर में घर घर बिजली का दावा खोखला। खंभे लगाकर उन पर तार भी बिछ गए लेकिन लाइन चालू नहीं हुई है। यूपी के संभल में जंगल के पेड़ बचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने चलाया चिपको आंदोलन। गौशाला बनाने के लिए जंगल की जमीन को चुना गया है। एमपी के छिंदवाड़ा में गर्मी से पहले पानी की किल्लत से परेशान जनता। 4-5 दिन में एक बार आ रहा है नलों में पानी। लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर के नंदनकानन चिड़ियाघर में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। रूम हीटर से किया जा रहा है ठंड से बचाव। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में 2 शावक और 1 भालू पानी के टैंक में फंस गए। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। योग गुरु रामदेव के पतंजलि योग पीठ का स्थापना दिवस आज। इस मौके पर हरिद्वार में परिधान शोरूम का उद्घाटन करेंगे रामदेव। गुजरात के गीर के जंगल में शेरनी की ममता देखिए, कैसे अपने 2 शावकों के साथ तेंदुए के बच्चे को दूध पिलाकर पाल रही है। शानदार पारी के बाद बोले ऋषभ पंत, 2 बार नर्वस 90s पर आउट होने के बाद थोड़ा डरा हुआ था लेकिन जल्द ही उस डर से निकल गया। पंत ने सिडनी टेस्ट में खेली 159 रन की शानदार पारी। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने। ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर शतक लगाने वाले एशिया के भी पहले विकेट कीपर बने पंत। ऋषभ पंत एक टेस्ट सीरीज में 200 से ज्यादा रन और 20 से ज्यादा कैच लेने वाले एशिया के पहले विकेट कीपर बने। 7वें विकेट के लिए पंत और जाडेजा के बीच हुई 204 रन की साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ब्रावो और दिनेश रामदीन के बीच 2005 में 182 रन की साझेदारी का रिकॉर्ड टूटा। चेतेश्वर पुजारा का शानदार प्रदर्शन बढ़ा सकता है उनकी सैलरी। बीसीसीआई कर रहा है पुजारा को ग्रेड ए से ग्रेड ए प्लस कैटेगरी में शिफ्ट करने का विचार। 5 से 7 करोड़ का हो जाएगा सालाना कॉन्ट्रैक्ट। सिडनी टेस्ट की पहली पारी में भारत ने 7 विकेट पर 622 रन बनाकर पारी घोषित की। ऑस्ट्रेलिया में लगातार 3 बार पारी घोषित करने वाली पहली टीम बनी विराट की सेना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन का फोन पर बात करने वाला वीडियो वायरल। किसी पत्रकार का फोन टेबल पर छूट गया था, उसी पर आई थी कॉल और पेन बात करने लगे। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, कुल 9 बदलाव किए। तेज गेंदबाज पीटर सिडल और बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को मिली जगह। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान फाफ डुप्लेसी के शतक से दक्षिण अफ्रीका मजबूत स्थिति में। पाकिस्तान पर अब तक 205 रनों की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले धोनी ने रांची के देवड़ी मंदिर में पूजा की। वनडे और T20 टीम में शामिल है धोनी। यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर का हरियाणा सरकार पर तंज।
2 करोड़ के इनाम के ऐलान पर मंत्री अनिल विज से पूछा, क्या इनाम का ऐलान भी जुमला था। दुबई में आयोजित ग्लोबल सॉकर अवार्ड में पुर्तगाल के खिलाड़ी रोनाल्डो को 2019 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के लिए कर सकते हैं अध्यादेश का इस्तेमाल। अमेरिका में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड जा रहे बच्चों की वैन हादसे का शिकार, 5 बच्चों की मौत। श्रीलंका में आज होंगे आम चुनाव। राष्ट्रपति सिरिसेना के पीएम रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त किए जाने के बाद उपजे संवैधानिक संकट के बाद से पहला चुनाव आज। चिली की राजधानी सैंटियागो में एक धमाके में 5 लोग घायल हुए। पाकिस्तानी सेना ने स्वदेशी तकनीक से विकसित A-100 रॉकेट को सेना में शामिल किया। अभिनेता विवेक ओबेरॉय नरेंद्र मोदी के बायोपिक में लीड रोल निभाएंगे। फिल्म का टाइटल पीएम नरेंद्र मोदी होगा। शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म सारे जहां से अच्छा की शूटिंग फरवरी में शुरू करेंगे। सारे जहां से अच्छा अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की बायोपिक है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।